वालों ने भी हमको डराया, अब ये तो ऐसा है ऐसा है, कितने सालों से कांग्रेस यहाँ जमी हुई है और आप लोग जो करें सोच विचार के करें। हम तो डेडिकेशन वाले थे, हमने क्या कहा, देखो भाई हम तो डरते नहीं, कफन बांध के चलते हैं, और कम वोट में जो होगा सो देख लेंगे। और हमको रिस्पांस भी इतना मिला, विशेष करके ट्राइबल एरिया जो हमारा ऑफिशियल एरिया है, कंट्री साइड वो पूरा ट्राइबल एरिया है, और ये तो ताकतवर लोग हैं, उनको सिर्फ शिक्षा की जरूरत थी, उनको जागरूक करना था। ये दिशा में जो बजरंग दल है उनके युवा हर गांव में है। इन यूनिट और स्थापना आपके आने के बाद हुई इस एरिया में? हाँ, पिछले 5-6 साल में। हाँ, आपने कैसे जागरूक किया? हम ये युवा लड़कों को पहले तो आइडेंटिफिकेशन और ये सब जो चीज जरूरी होती है वो कर लेते हैं, उसमें एक भावना तो होनी चाहिए कि भाई हिंदुत्व का उसकी रक्षा करना है, हिंदू समाज की रक्षा करना है, उसके पीछे खड़ा रहना है। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर ये उन लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, हम त्रिशूल अर्पण करते हैं, प्रतिज्ञा वो लेते हैं, शक्ति दीक्षा दीक्षा कहते हैं, शक्ति दीक्षा। जिनके पास त्रिशूल है वह सब अपने हाथ में चक्र सामने आ जाओ, मेरे साथ बोलेंगे मैं जोर से बोलो, मैं त्रिशूल धारण करके भगवान शंकर की माँ दुर्गा की पूजा करूंगा, राम मंदिर बनाऊंगा, जिहाद को पराजित करूंगा, पाकिस्तान के 40 टुकड़े करवाऊंगा, पाकिस्तान के 40 टुकड़े करवाऊंगा, और भारत का हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। यहाँ जब मैं आया तो मैंने पहले सब जगह पे मैं घुमा हूँ, और सबसे पहले मैंने ये काम किया कि सबको व्यसन मुक्ति दिलाई। तो दारू स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब, अभी 8,000 लड़के हैं ये हालोल तालुका के, 202 गांव है, 75 पंचायत है, और ये 8,000 घर ऐसे हैं जो आज से 10 महीना 1 साल पहले व्यसन से मुक्त बाहर नहीं थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के अंदर एक भाई अगर दारू वाला होता है तो उसका मुसलमान संग करता है, और संग करने के बाद वो उसके घर आना जाना शुरू कर देता है, फिर इसकी बहन बीती होती है उसके पर नजर डालता है, एक दिन सबको पिलाकर अंधेरे में रख कर उसको उठा के ले जाता है। ऐसी ऐसी हालोल में 46 लड़कियां है, हालोल कालोल देवगढ़ बारिया और गोगम्बा, ये 4 तालुका में से 185 हिंदू की लड़की मुसलमान के घर में उठाकर अपनी बहू बनाने के लिए, और बना दिया, 4-4, 5-5 बच्चे भी हैं। तो ये सब हमारे लिए दुख की बात है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, हम गौरव से जीना चाहते हैं। जय जय श्री राम। करू छू के हमारा समाज तुम्हारी जरूरत महसूस कर।
રહ્યો છે આવા વાળા સમાજ તમારી પોકાર કરી રહ્યો છે આ તમારી સંસ્કૃતિ તમારી માં છે અને તમારી માની આજે રોજ ને રોજ ઇજ્જત લૂંટાઈ ગઈ છે યુવાનો તમારી માને બચાવવા માટે તમારી અંદર લોહીનું ટીપું પણ બાકી હોય તો તમે એની માટે સંઘર્ષ કરવાનું ચાલુ કરી દો અને ભારતના યુવાન છો લીડર બનો ખેતાની માફક ડર કાઢી નાખો સિંહના સંતાન છો કાયરતા ખંખેરી નાખો ડર રાખશો તો કશું કરી શકવાના નથી તમે પાછા ઘણા લોકો કહે છે કે આવું બધું કરીએ તો ફસાઈ જવાય એમાં ફસાઈ લ્યો તો છે એમ નહીં તો એમ પણ એમ ફસાશો ને તો લક્ષ માટે ફસાશો હે હિન્દુ તારું હિન્દુત્વના જતું રે તારે ધ્યાન રાખવા પ્રહલાદ શાસ્ત્રી આયા તો પહેલી મુલાકાત મેરે સાથ હુઈ થી અમને ઉસસે બાત કી આપ કહાં સે આયે તો બોલે મેં સ્વામી વિવેકાનંદ આશ્રમ સે આયા હું પોરબંદર સે આપ લોગ સપોર્ટ દે તો મેં યહાં રહે સકતા હું મેરા પોઈન્ટ બના સકતા ફિર ક્યા હુઆ કે યે બજરંગ દળ બના ઉધર યે બજરંગ બનતા હી નહીં પાવાગઢ મેં કુછ હોતા હી નહીં બજરંગ દળ ઉસસે પહેલે ભી બના જા લેકિન યે પ્રહલાદ શાસ્ત્રી કે આને કે બાદ જો બજરંગ દળ બના ઉસને પૂરે ગાંવ ગાંવ જાકે કવરેજ કરા યે બજરંગ દળ કો ગાંવ ગાંવ જાકે ફેલા દિયા ઉસને અભી ઉધર જીતને ભી ગાંવડે ઉસમે કોઈ ભી મોમેડન તો રહેતા હી નહીં પાવાગઢ સે લેકર શિવરાજપુર હે નવા કુવા હે ઢીકવા હે સબ મે રહેતે થે મોમેડન કોઈ ગાંવ મે 5 રહેતે થે કોઈ ગાંવ મે 25 ઘર રહેતે થે કોઈ ગાંવ મે 20 ઘર રહેતે થે લેકિન અભી કોઈ નહીં રહે રહા તો આપ વાપસ આના ચાહેંગે સર હમારા એસટીડી પીસીઓ થા ઠંડા પીને કી દુકાન થા બીડી સિગરેટ કી દુકાન થા વો સબ ઉન લોકો ને જગો હમારે યહાં 4 મહિને આયે उसके बाद और हमारी जगह पर उन लोगों ने दुकानें बना दी अब वो दुकान की जगह खाली नहीं करते हैं मेरी दुकान पे भी छपरा बना के रख दिया है सब मकान में रहते हैं कल मैं गई थी तो खाना पकता था अंदर घर में गई पर लोग मुझे कुछ भी बोले नहीं मैं भी कुछ नहीं बोली तो मैं क्या अच्छा फिर मामलेदार से बात करेगा तो आपने उसकी फरियाद की नहीं कुछ नहीं किया कोई लोग पहले हमें फरियाद किया मेरा मकान इधर रहने का नहीं हमको रहने दो तो ये नहीं बोला था गांव वालों को कभी नहीं रहने देने करके इन लोगों को ऐसे नहीं मारा है जब ट्रेन जली ने तब फटाकड़े भी इन लोगों ने फोड़े थे ट्रेन जली तब यहाँ गांव में बहुत से गांव में तो बरगोड़ा निकाला था शोभा यात्रा हमारे मुसलमान ने कुछ करके दिखाया देखिए एक बात समझिए कि हिंदू समाज पहले किसी को डराता नहीं ये अपने एक संस्कृति है भारतीय संस्कृति वो किसी को पहले डराना नहीं जानता मगर जो लोग हिंदुओं को डराता है डराने के लिए आता है तो फिर ये जो जागरूक समाज उसको अभी फेस करता है ये सब जो युवा लड़के थे हिंदू उन लोगों ने सोचा कि कहां तक ये डर के चलेंगे मुस्लिमों से कहां तक डरेंगे फिर ये जागृति आई और आज हम देख रहे हैं आज हमारे हिंदू को हिंदू युवक को कोई ऐसा नहीं कह सकता तो उठ यहां से वो उठा के उसको एक तमाचा मार देगा इतनी ताकत इतना विश्वास उसमें भरा पड़ा है ये जो गोधरा की घटना घटी उसमें तो क्या है कि यहाँ जागृति आई हुई थी इसीलिए इन लोगों ने जो प्रत्याघात दिया मुसलमानों के खिलाफ उसका रिएक्शन नहीं ऐसा तो देखो मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लोगों ने बहुत कम उठाया या हम लोगों ने मुसलमानों को कुछ नहीं किया यहाँ कुछ नहीं हुआ है कुछ किया ही नहीं है मतलब क्या है ये तो पीछे से जो कमिटी वाले आए वो आए उन लोगों ने ये किया कि भाई कुछ करो मेरे पर भी केस हुआ है अभी मैं अयोध्या में था मैं 2 तारीख को आया चली तब मैं अयोध्या में था उसके पहले तो मेरे पर केस लग गया था उनके पास 5-6 केस लगे हुए उसके पहले भाई यही मुसलमानों ने यही उन लोगों ने यही शास्त्री था जिसने आगे वाणी दी और हमारे सब घर जलाए हमारे ऊपर 300 आईपी है वो जो 395 आपके ऊपर सबके ऊपर ये सब हमारे 52 लड़के थे 52 लड़के पर वो है हाँ चल रहा है हम तो उनको बेल पर छुड़वा लाए जितने मुसलमान यहाँ से छोड़ गए थे सब वापस आ गए नहीं उसमें कुछ आए हैं कुछ नहीं आए बाबा कलेक्टर आ रही कैसे मुसलमान लोग